नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बतख और कनेर के फूल वाला आलेखन बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बस आपको करना क्या होगा, मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक आप सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाने के बाद देखिएगा ध्यान से, आपको बीच में एक टू नंबर लिखना है। किस तरह टू नंबर लिखना है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हल्का सा आप सर्कल बनाते हुए नीचे की तरफ ले जाइएगा, फिर आपको ऐसे ऊपर की तरफ उठा देना होगा। ये हो गया हमारा टू नंबर। टू नंबर लिखने के बाद जस्ट इसी के ऊपर एक आप ऐसे डब्ल्यू लेटर लिख दीजिएगा। एक डब्ल्यू लेटर आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। अब देखिएगा, पहले हम यहाँ पे बतख बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए आगे के साइड में एक हाफ सर्कल बनाइएगा, फिर यहाँ से आप इसको ऐसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद नीचे के साइड में थोड़ा सा आप इसको और बड़ा सा हाफ सर्कल बना दीजिएगा। यहाँ से ऐसे करिए, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर करिएगा। हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए यहाँ पे आप ऐसे मिला देंगे। अब बीच के साइड में आपको यहाँ पे ऐसे करना होगा, फिर अंदर की तरफ घुमा दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे करिए। ये वाला डिज़ाइन आप यहाँ पे ऐसे बना दीजिएगा। बनाने के बाद एक यहाँ पे वी लेटर लिख दीजिए और आपको इसका आई बना देना होगा, ये हो जाएगा। दिखेगा नीचे के साइड में आपको इस बतख का लेग भी बनाना है। यहाँ से ऐसे करिए, फिर और आगे की तरफ बढ़ाइए, इधर से आप ऐसे मिलाइएगा। सेम आप एक यहाँ पे भी ऐसे रिपीट करके बना दीजिएगा एक लेग और। तो दोस्तों, अब आपको इस डब्ल्यू लेटर की हेल्प से बनाना है कनेर का फ्लावर। कनेर का फ्लावर बनाने के लिए इसको और आगे की तरफ करिएगा, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से ऐसे करिए, एक बड़ा सा यू लेटर आप लिख दीजिएगा। यहाँ से एक लाइन आगे की तरफ बढ़ाइए, हल्का सा अंदर की तरफ, फिर यहाँ पे नीचे की साइड में ले जाइएगा, इधर मिलाइए, फिर एक लाइन इधर ड्रॉ करिएगा। देखिए कितनी आसानी से दोस्तों कनेर का फ्लावर यहाँ पे बनके तैयार हो गया। ऊपर के साइड में भी आप ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। और दोस्तों, आज हम आपको इसको कलर भी करना सिखाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप ऐसे नीचे के साइड में ले जाएंगे, हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पर ऐसे मिलाइएगा। फिर आपको इसको डबल करना होगा, बहुत ही ध्यान से डबल करिएगा। ये हो जाएगा हमारा डबल। यहाँ पे ऐसे करिए, इसको मिला दीजिएगा। इसी तरह जैसे आपने इधर बनाया, इसी तरह सेम प्रोसेस आपको इस साइड भी रिपीट करना होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे बनाना है। थोड़ा सा आगे की तरफ लाइन बढ़ाइएगा, फिर नीचे की तरफ, यहाँ से ऐसे करिए, फिर आप यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा। इस फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर नीचे के साइड में, फिर आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे की तरफ करिए। कुछ पंखुड़ियाँ आप जस्ट इसी के बगल में भी बना दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हो गया हमारा। अब देखिएगा, अब आपको नीचे के साइड में एक छोटी सी लिप्स भी बनानी होगी। यहाँ पे भी छोटा सा लिप्स बना दीजिए। इसी तरह लिप्स बनाने के बाद अब देखिएगा, यहाँ से फिर जैसे आपने इधर किया, इसी तरह सेम प्रोसेस आपको इस साइड भी रिपीट करना होगा। यहाँ पे ऐसे ले जाइए, फिर आपको इसको डबल करना होगा। यहाँ से ये हो गया हमारा डबल। डबल करने के बाद इधर से एक छोटी सी लिप्स बना दीजिएगा। एक लिप्स आपको ऊपर के साइड में यहाँ पे बनाना होगा, इधर एक छोटा सा लिप्स यहाँ पे बना दीजिए। और दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और इधर से एक इधर करिए, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से ऐसे नीचे के साइड में एक लिप्स बना देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप जो है देखिए, ऊपर के साइड में एक डिज़ाइन बना दीजिए, यहाँ पे ऐसे घुमाइए, इसको अंदर के साइड में कर दीजिएगा। इधर से भी आप ये वाला डिज़ाइन बना दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से कनेर के फूल और बतख वाला आलेखन बनके तैयार हो गया दोस्तों। चलिए अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं।